गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा एक नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों अरुणाचल में सबसे ज्यादा घूमने वाला टूरिस्ट प्लेस पास टू आस एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को लेके चलता हूँ गंगा लेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, फाइनली हम लोग आके पहुँच गया हूँ गंगा लेक। तो गंगा लेक उठने पहाड़ी टॉप उठने के लिए बहुत ही तकलीफ, आप लोग देख रहे इस तरह का रास्ता है, सीढ़ी से जाना पड़ता है इस तरह से, ऐसे होके ऐसे जाना पड़ेगा। यहाँ से इस तरह है, देख सक रहा है, सांस फूल रहा है। तो जाके पहुँच के आप लोग से मिलता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली आके पहुँच गया हूँ गंगा लेक। आप लोग इस तरफ देख सक रहा है, ये जो है यही वो गंगा लेक है। आप लोग देख सक रहे पूरा दोस्तों, सांस फूल गया, बहुत ही ऊपर में टॉप में है, पहाड़ी का टॉप में है ये झील। तो देख सक रहे हैं लेक कितने किस तरह की है। यहाँ में इन्फॉर्मेशन लिख कर रखा है, यहाँ से रास्ता है दोस्तों, और ये ईटानगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर में है दोस्तों। इसका जो टिकट है, एक आदमी का टिकट 50 रुपीस लेता है, तो इस तरह से आना पड़ता है। तो अभी थोड़ा आप लोग को जाके दिखाता हूँ किस तरह है ये लेक। तो दोस्तों, यहाँ से इस तरह का सीढ़ी बना के रखा है चारों तरफ लेक का। लेक यहाँ से इतना दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हम लोग को, वो जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से पूरा लेक का ओवरऑल व्यू दिखाई देता है दोस्तों। ये लेक का एक खास बात है, ये इसलिए टूरिस्ट यहाँ में घूमने आता है दोस्तों, ये पहाड़ी का ऊपर में है दोस्तों, लगभग आप लोग समझ सकते हैं पूरा सांस फूलने तक ऊपर उठा है दोस्तों, कम से कम तो 400-500 सीढ़ी उठ के आया है। तो इस तरह का व्यू है यहाँ का, देख सक रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ में जाके वो जो घर दिख रहा है ना दोस्तों, उसमें जाके आप लोग से मिलता हूँ। यहाँ से लेक बहुत ही खूबसूरत है ये लेक। जो कोई भी अगर अरुणाचल घूमने के लिए आ रहा है तो यहाँ में ज़रूर आइए, आप लोग को बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा लगेगा। इस तरह का व्यू, ये देख सक रहे हैं दोस्तों, कितना शानदार लेक है। यहाँ में दोस्तों आप लोग बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आके पहुंच गया हूँ लेक। मेरा पीछे में आप लोग देख सक रहे हैं दोस्तों, वो है लेक। उसमें दोस्तों आप लोग बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। और ये लेक दोस्तों बहुत ही बड़ा लेक है, आप लोग को ओवरऑल एक बार व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है लेक का दोस्तों, और इस तरह की है ये लेक, देख सक रहे कितना शानदार ये व्यू है ना दोस्तों, एक आप लोग को अलग ही फीलिंग देगा यहाँ में आने से। ये है गंगा लेक, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, देख सक रहा हो होगा आप लोग, इस तरह की है ये लेक। तो दोस्तों, फाइनली आके पहुंच गया हूँ हम लोग अभी चिड़ियाखाना में, जो गंगा से लगभग 6 किलोमीटर दूर में है। आप लोग इस तरफ का व्यू देख सक रहे हैं, ये है मेन गेट दोस्तों। यहाँ से आप लोग इस तरफ आने का साथ साथ ये देख सक रहे हैं, इसको हम लोग का भाषा से बोलते हैं घरियाल, मगरमच्छी भी है बहुत यहाँ में फिलहाल। तो आप लोग को यहाँ में क्या क्या चीज़ है सब कुछ दिखाता हूँ दोस्तों। अगर कोई अरुणाचल घूमने आ रहा है तो ये जगह को भी विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत एक खूबसूरत जगह है, और इसमें आप लोग को हर तरह की ये जीव जंतु मिल जाएगा देखने के लिए। तो चलिए, मेरा पास कटप्पा भी है, कटप्पा देख सो कम लग लो भलो लग से कि देख लाइटा घोरियाल देख सो। चलो, हे बंदर, और यहाँ का ओवरऑल व्यू देख सक रहा है। ये देखिए, लटक के बैठा है यहाँ में दो ठो मंकी, इस तरफ है ये व्यू। तो इस तरह का व्यू जो दोस्तों देख सक रहा है, ये भाई लोग भी देखने आया। कहाँ से आया भाई लोग? हम लोग तो गोहपुर से आया है। गोहपुर से यहाँ में क्या करते हैं? ईटानगर अरुणाचल में, अरुणाचल में हम लोग बिजनेस देखने के लिए आया है।
तो इस तरह का व्यू है कि इसका टिकट कितना तो है? हम लोग भी टिकट ज़्यादा नहीं, 20 का, 20 का है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। ये कैसे लगा यहाँ में आके? बहुत अच्छा लगा, इतना खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक है। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे जीव जंतु का कमती है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ में कोई भी आ सकता है, तो आप लोग ईटानगर, जो ईटानगर से लगभग 6 किलोमीटर दूर में है, तो आप लोग यहाँ में आइए। दोस्तों ये फिलहाल आप लोग देख सक रहे हैं, जो देख सक रहे हैं ना, ये है मंकी, जो बंदर है दोस्तों। यहाँ में बहुत सारा बंदर है, जो कैमरा में किस तरह दिखाई दे रहा है मालूम नहीं, इस तरह से आदमी कर लाइन होकर खड़ा होकर देखते रहते हैं। तो वहाँ में देख सक रहे हैं, वो होरिन एक तो दिखाई दे रहा है माता, तो उसको थोड़ा आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ से इस तरह का व्यू हो रहा है, ये है दोस्तों, देख सक रहा है हरिन का माथा दिखाई दे रहा है फिलहाल। ये यहाँ में ये बग्गे बग्गे ये देख सक रहे हैं दोस्तों, लगता है इस तरह का व्यू है, व्यू 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 व्यू। ये देखिए, ये बिल्कुल डरता नहीं, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है हरिन। इस वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए अभी जो आप लोग को बोला था पांच टूरिस्ट प्लेस दिखाने वाला हूँ, तो अभी दो फिलहाल मेरा कवर हो चुका है, तो आप तीन बचा है दोस्तों, ये आएगा नेक्स्ट पार्ट में, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोग किसी नया वीडियो नया टॉपिक का साथ, तब तक के लिए जय हिंद।